चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। ओजस्वी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण साई जिला गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से। जी हाँ, गाजियाबाद से, जिला गाजियाबाद से ओजस्वी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण साई, जो आसाराम बापू के बेटे हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है उनकी पार्टी ने। उनकी पार्टी की पार्लियामेंट बोर्ड ने यह घोषणा कर दी है। अभी अभी घोषणा आई है कि ओजस्वी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण साई जिला गाजियाबाद की विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव है, आपको बता दें कि 11 जनवरी से इसके फार्म भरे जाने हैं, 19 जनवरी इसकी आखिरी डेट है। हालांकि सूरत की लाजपोर जेल में एक यौन शोषण के मामले में नारायण साई बंद हैं। उनकी पार्टी का कहना है कि नारायण साई बिल्कुल निर्दोष हैं और वे इस चुनावों में इस बात को साबित करेंगे, जनता की दरबार में जाएंगे और जनता को बताएंगे, लोगों को बताएंगे कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं। उन्हें नाजायज रूप से पिछले लगातार 3 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, उन्हें जेल में बंद किया हुआ है, ना उन्हें बेल दी जा रही है, ना ही उनका केस अभी तक हल किया जा रहा है। उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि 12 साल पहले उन्होंने अपनी शिष्या के साथ बलात्कार किया था। नारायण साई, उनका परिवार, उनके साधक, यहाँ तक कि उनके शिष्य भी इस आरोप को लगातार निराधार बता रहे हैं। उसके बावजूद नारायण साई पिछले 3 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनको एक बार फिर से बता दें, जिला गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा से नारायण साई आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव का पर्चा भरने जा रहे हैं। उनके राजनीतिक सलाहकार जयंतो गांगुली ने कहा है कि वे उन्हें जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। और अब समय हो चला आपसे इजाजत लेने का। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एटीवी न्यूज। नमस्कार।